कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगो कवि कर्मणि। है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया, है हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका, बनाया गया त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, अजब दास्तां है अजब है कहानी। विनोद, अब सब कुछ मेरे एक सवाल और तुम्हारे एक जवाब के ऊपर निर्भर करता है। आपके सवाल पर? हाँ विनोद, मेरे एक सवाल पर, और मैं उसका जवाब भी जानता हूं, मगर फिर भी एक आध नाकाम कोशिश करके देखता हूं। मैं समझा नहीं बाबूजी, आप किस सवाल की बात कर रहे हैं? विनोद, मेरा सवाल यह है कि क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि प्रगति ने जो इल्जाम तुम पर लगाया है, जो बच्चे को मनाली ने जन्म दिया है, वो तुम्हारा नहीं है? ओ बाबूजी, वो विनोद, मुझे जवाब चाहिए, हाँ या ना में, क्योंकि तुम्हारा यही जवाब तुम्हारे आगे की जिंदगी तय करेगा। तुम्हारा सुख दुख शांति सब कुछ इसी जवाब के ऊपर मुत्तसर है। बाबूजी, मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता हूँ। इसका क्या मतलब? बाबूजी, इसका मतलब ये हुआ कि मनाली जब मेरे पास सेक्रेटरी बनकर आई थी, तो उसके पहले भी उसने दूसरी जगह नौकरी की थी। बाबूजी, ये बात और है कि उस बच्चे का उस वक्त पता चला जब वो मेरे पास नौकरी कर रही थी। अब मैं ये बात दावे के साथ कैसे कह सकता हूँ बाबूजी? वो बच्चा मेरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तब तो प्रगति के ऊपर मानहानि का दावा करना बहुत बड़ी गलती है, जोखम उठाना पड़ेगा। ये तो उसी तरह की बात हुई कि आ बैल। मगर नीकी को क्या जवाब दूंगा? विनोद, कुछ भी करो, नीकी को समझाओ कि वो अपना इरादा बदले। मगर जो चैलेंज उसने प्रगति को दिया, उसका क्या करो? अगर उसके चैलेंज की फिक्र करोगे तो उस जाल को काटोगे जिस जाल पर तुम खड़े हो। उसका चैलेंज कोई पत्थर पे लिखी हुई तहरीर नहीं है जो बदला ना जा सके। लेकिन समझाओ, ये प्रगति की बहुत बड़ी साजिश है, तुम्हें उससे अलग करना, और उसे ये भी समझाओ कि इस मामले में वो जज्बाती ना बने, दिल से काम ना लेकर दिमाग से काम ले। मैं निकी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, और मुझे पूरा यकीन है बाबूजी कि वो मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती। इस गलतफहमी में मत रहना विनोद, आजकल की लड़कियां बड़ी सरफरी होती हैं। वो तो तुम्हारी मां थी जो सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद इस हवेली में टिकी रही। जाओ विनोद, इस आने वाले तूफान को रोकने की कोशिश करो जिसका रुख प्रगति ने बड़ी होशियारी से इस घर की तरफ मोड़ दिया। ठीक है बाबू जी। भाभी भाभी, ये तो कमाल हो गया, आपने प्रगति को चैलेंज दे दिया। इतनी हिम्मत वाली बात तो आप ही कर सकती थी।
अब देखना करण, मैं उसे दिखा दूंगी। बाबूजी वकील के पास गए हैं मुकदमा दायर करवाने। जैसे ही उस पर यह मुकदमा दायर होगा उसे प्रगति क्रिएशंस छोड़कर जाना पड़ेगा। अब तो लगता है कि कामयाबी आपके दरवाजे पर खड़ी है भाभी। लेकिन फिर भी एक बात है, अगर किसी वजह से ठाकुर साहब ने प्रगति के खिलाफ वो मुकदमा दायर ना किया तो क्या होगा? तो फिर कामयाबी उसके दरवाजे पर मुस्कुराएगी। वो कैसे? क्योंकि फिर मुझे उसके सामने झुकना होगा और ये बेइज्जती मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। भाभी भाभी आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शायद आप नहीं जानती लेकिन प्रगति और ठाकुर खानदान की जो दुश्मनी है वो बहुत पुरानी है। अब ये सच है या झूठ ये तो मैं नहीं जानता लेकिन जहां तक मैंने सुना है विनोद भाई ने प्रगति की जिंदगी बर्बाद की और प्रगति ने बदले में यह संकल्प लिया कि वो ठाकुर खानदान को बर्बाद कर देगी, उसे पनपने नहीं देगी। उसके बाद ऐसे कई मौके आए जब प्रगति ने विनोद भाई और ठाकुर साहब को नीचा दिखाया और उसके बदले में इन दोनों ने प्रगति को बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन इन मामलों में प्रगति बहुत चालाक निकली। उसने तो मुझे भी इस बात का यकीन दिला दिया कि मुझे अपने खून के खिलाफ बगावत करनी चाहिए। उसने मुझे इस बात पर मजबूर भी किया। विनोद और कुसुम को उसने अलग करवाया, उसमें उसका हाथ था। मेरी और कुसुम की शादी उसने करवाई, उसमें भी उसी का हाथ था। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि ऐन मौके पर मैं संभल गया और अपने घर वापस लौट कर आ गया। और मेरी खुशकिस्मती तो देखिए, आज आप भाभी बनकर मेरे सामने खड़ी। करण, सच पूछो तो इस सारे खानदान में एक तुम ही हो जिस पर मुझे पूरा पूरा एतबार है और जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लड़ाई जो मेरे और प्रगति के बीच में है उसमें तुम मेरा साथ दोगे। भाभी, मैं तो तन मन धन से आप ही के साथ। लेकिन इस लड़ाई में भाभी पहल जो है वो विनोद भाई और ठाकुर साहब को ही करनी पड़ेगी। देखिए, मैं जानता हूं कि विनोद भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, वाकई बहुत मोहब्बत है उन्हें आपसे, और प्रगति के लिए वो अपने घर की बहू की इज्जत को दूसरों के सामने नीलाम नहीं होने देंगे। क्योंकि आपकी बेइज्जती का मतलब हुआ पूरे के पूरे ठाकुर खानदान की मुकम्मल बर्बादी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बाबूजी, जरूर मुकदमा दायर करेंगे उस पर। आफ्टर ऑल, मेरी इज्जत के लिए, मेरी जीत के लिए और प्रगति के हार के लिए उन्हें यह करना ही होगा। Then I would wish you all the best of luck, Bhavi. क्योंकि अब जब प्रगति की हार हो रही है तो मन ही मन मैं बहुत खुश हो रहा। करण, एक बात सच बताओगे, तुम्हें मेरी जीत की खुशी है या प्रगति की हार की? भाभी, अगर वाकई आप सच सुनना चाहती हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि आपकी जीत में ही मेरी जीत है। मैं चलता हूं भाभी। विनोद। ओह निकी, बड़ी लंबी उम्र तुम्हारी, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। वो सब ठीक है, पहले तुम मुझे बताओ प्रगति पे मुकदमा दायर किया या नहीं? नहीं, मुकदमा दायर नहीं किया। लेकिन क्यों? वो निकी, बाबूजी कोतवाल साहब से मिलकर आए हैं और वो कह रहे हैं कि वो केस तैयार कर रहे हैं। अरे कमाल है, क्या तैयार कर रहे हैं? सीधा सीधा मानहानि का तो केस है, कोई मर्डर का केस है कि इतनी सारी तफ्तीश करनी पड़ेगी? तुम्हारी इसी अदा पर मैं अपनी जान देता हूँ। तुम्हें मुझसे ज्यादा फिक्र है प्रगति से पता लेने की, मगर तुम्हें एक बात का एहसास नहीं होती। तुमने जो कुछ भी कहा फोन पर कहा है, इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर हमने उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया तो उस इल्जाम को हम साबित नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी बात तो ठीक है विनोद, लेकिन जब मैं प्रगति से मिली थी तो उसकी बातों से मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो कोर्ट में जाके अपनी बात से मुकर जाएगी। लेकिन तुम बहुत भोली हो, तुम प्रगति की ये काम नहीं समझ पा रही हो। अरे वो चाहती है कि मुझ पर दावा करे
कोर्ट में समन भेजेंगे और वो कोर्ट में आएगी और साफ साफ निकल जाएगी, क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और जानते हैं उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? वो हम पर दावा कर देगी कि हमने उसे झूठ मूठ फंसाने की कोशिश की थी, क्योंकि हमारे पास तो उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वो कोर्ट को अपना गवाह बना लेगी और उल्टे हम पर मुकदमा दायर कर देगी। ओह माय गॉड, प्रगति कितनी फ्रॉड और चालाक औरत है। लेकिन तुमने कहा कि कोतवाल साहब केस तैयार कर रहे हैं, तो फिर कौन सा केस? देखिए, कोतवाल साहब प्रगति के खिलाफ सारे एविडेंस इकट्ठा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रगति के लिए कोई गुंजाइश छोड़ ना जाए, बस यही तैयारी कर रहे हैं वो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रगति नाम की इस खतरनाक बीमारी से तुम दूर रहो, क्योंकि वो इनोसेंट लोगों को ट्रैप करने में माहिर है। विनोद, मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई है, उसने कितनी आसानी से मुझे उल्लू बना लिया। मैं प्रगति को कभी माफ नहीं करूंगी, मैं उसे ऐसी जगह ले जाके मार दूंगी वो मुझे जिंदगी भर याद रखेगी। तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर प्रगति वो आग है जिसे तुम्हें संभल कर खेलना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस आग में तुम्हारा हाथ जल जाए, और अगर ऐसा हुआ निकी मैं प्रगति को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर वो आग है तो मैं उसे राख बना कर ही छोड़ूंगी। हेलो एडवोकेट कोतवालिया। हेलो कोतवाल साहब, मैं निकी बोल रही हूँ। निकी? निकी कहाँ? ओ कोतवाल साहब, मैं निकिता विनोद ठाकुर बोल रही हूँ। ओ निकिता जी, कहिए आपने कैसे फोन किया? कुतवाल साहब, मैंने आपको इसलिए फोन किया कि आपने जो एडवाइस मेरे हस्बैंड विनोद ठाकुर को दी है वो बहुत ही अच्छी है, तो मैंने आपको थैंक यू बोलने के लिए फोन किया। निकिता जी, आप कौन सा एडवाइस के बारे में बात कर रही हैं? वही प्रगति पे मानहानि का मुकदमा करने वाली बात। मैं आपकी एडवाइस से 100% सहमत हूँ, वो हमें जरूर ये सब ट्रैप करने के लिए कर रही है। जी हाँ, प्रगति एक बड़ी चालाक औरत है। तो कोतवाल साहब, इस मुकदमे में हमारी मूव क्या रहेंगी? देखिए गीता जी, अब ये बात तो ऐसी है कि जब तक ये केस तैयार नहीं हो जाता मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, सॉरी। अच्छा, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, इस केस में प्रगति को मात होनी ही चाहिए। जी हाँ, और आप जैसे ही केस तैयार कर लें प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी श्योर, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। थैंक यू, बाय। विनोद ठाकुर, मैंने तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन तुम तो हर मामले में अपने बाप से 10 कदम आगे निकले। फिलहाल तो वो तूफान टल गया है, मैंने निकी को समझा दिया है बाबूजी, और वो मेरी बात मान भी गई। लेकिन बाबूजी, ये बात फिर से हमारे सामने मुसीबत बनकर खड़ी हो सकती है। पहले तो सिर्फ प्रगति थी हमारे सामने, और अब मनाली, मनाली बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी होगी बाबूजी। हाँ विनोद, और मुसीबत भी ऐसी वैसी नहीं, उस मुसीबत के साथ साथ मनाली का वो बच्चा भी जिसने मेरी रातों की नींद हराम करा दी।
तो क्या बाबूजी हमें खामोश बैठकर तमाशा देखना पड़ेगा? और हम कर भी क्या सकते हैं दोनों, क्या कर सकते हैं? बाबूजी मैंने नम्रता से बात की, उसी तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिला। विनोद, अब जो भी करना है सोच समझ के करना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि किसी को भी फोन करने से पहले यह सोच लेना कि तुम्हारा फोन कोई सुन रहा है। ये इंस्पेक्टर विक्रम के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया, बहुत ही चालाक है। उसने कोतवाल को भी इसी तरह बाबूजी, इसलिए मैंने नम्रता को फोन नहीं किया बल्कि मैं खुद उसे मिलने गया। बाबूजी हमें एक बात संजीदगी से सोचनी पड़ेगी कि मनाली पर कैसे काबू पाया जाए। विनोद, जो भी करना अपने आप को इससे दूर रखना, क्योंकि मनाली के ऊपर कोई भी वार अगर हुआ तो पुलिस सीधे तुम्हें गिरफ्तार करेगी। इस वक्त तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समय निकी के साथ बिताना चाहिए। तुम्हारा उससे अलग रहना तुम्हारे लिए कोई भी खतरे का सबब बन सकता है। जी बाबूजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं चलूं बाबूजी? ठीक है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? आप ये कहना चाहती हैं कि आप लोगों ने प्रगति के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया? हाँ करण, क्योंकि प्रगति जितनी दिखती है उससे कई ज्यादा खतरनाक है। उसने तो हमें फांसने के लिए पूरा जाल बिछाया था। अरे ये तो अच्छा हुआ कि एडवोकेट कोतवाल ने उसकी ये चाल समझ ली। क्या समझ गए कोतवाल साहब? यही कि प्रगति चाहती थी हम उस पर मुकदमा दायर करें, और जब कोई सबूत ना मिले उसके खिलाफ तो सारा मुकदमा खारिज हो जाए, और उसके बाद वो सामने हम पे मुकदमा कर सकती थी। भाभी, जब आप प्रगति से मिलने अचानक उसके ऑफिस गई थी तो आपको कुछ ऐसा लगा था कि वो इस तरह का कुछ प्लान कर रही है? नहीं, उस वक्त मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ इतना कहने गई थी कि वो हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश। ब्लैकमेल? नहीं भाभी, मैं आपकी इस बात को नहीं मानता। कौन सी बात को? देखिए भाभी, ये जो प्रगति है ना, ये बहुत ही खुदगर्ज किस्म की औरत है, जिस वजह से मैंने उसके साथ काम करना छोड़ दिया, उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन जहां तक मैं उसे जानता हूँ, जहां तक मैं उसे पहचानता हूँ, वो ये ब्लैकमेल जैसे हथकंडे को कभी इस्तेमाल नहीं करेगी। वो जो कुछ भी करेगी कानून के दायरे में, कानून के हिसाब से करेगी। बहुत ही तेज और बहुत ही शातिर औरत, उसने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। हो सकता है करण के उसने अभी तक ऐसा कोई काम किया हो सकता है ब्लैकमेलिंग का ये उसका पहला अटेम्प्ट हो। करण बदले की भावना में आके इंसान कुछ भी कर सकता है। मुझे ले लो, मेरी जिंदगी में काफी एम्बिशन है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा एम्बिशन है प्रगति की बर्बादी, और वो करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आप भी ब्लैकमेल कर सकते? हाँ, क्योंकि आई बिलीव एवरीथिंग इज फेयर इन लाइफ। चलिए माना कि प्रगति के साथ आपका वॉर, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन विनोद भाई, उनके साथ तो आपका लव है, क्या वहां भी? हाँ करण, वहां भी मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तुम खुद नहीं देख रहे कैसे तुम्हारे भैया को मैंने मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ? हाँ भाभी, देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। करण, जब मैं कुछ हासिल करना चाहती हूँ तो किसी भी कीमत पे उसे हासिल करती हूँ। आज तक तो नहीं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है।
पर इस बार मैं ये भी देख रहा हूँ कि एक औरत के मुकाबले पर एक औरत खड़ी। हाँ, और जीत उस औरत की होगी जो तुम्हारे सामने खड़ी है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। And for this, I wish you all the best of luck. हरीश भाई, मैंने अपनी तरफ से एक नाकाम सी कोशिश की निकी को बचाने के लिए, वरना वो यहाँ आई थी मुझसे लड़ने के लिए। क्या निकी यहाँ आई थी? और उसने मुझे चुनौती भी दी। मुझे तो किस बात का है कि विनोद ठाकुर और ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह निकी को इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे खिलाफ। निकी ने मुझे चैलेंज किया कि वो मुझे अदालत में घसीटेगी, मुझ पर मानहानि का दावा करेगी। मानहानि का दावा? हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि विनोद ठाकुर और ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर दिया। बल्कि मैंने उसको भी एक चैलेंज दिया कि अगर वो ये दावा कर पाएगी तो मैं प्रगति क्रिएशंस छोड़ने के लिए तैयार हूँ, और अगर वो नहीं कर पाएगी तो उसे विनोद ठाकुर को छोड़ना पड़ेगा। माय गॉड, मैं क्या करूं, क्या करूं इस लड़की का, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रार्थना कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि दोनों के साथ इन्हें कुछ हो। प्रगति, बात यहाँ तक पहुंच गई है, मगर निकी ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो आपको कैसे बताएगी? उसकी आंखों के सामने दुश्मनी की एक ऐसी धुंध छाई हुई है, वो भाई को भी दुश्मन मानने लगी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।